交。आगे नहीं बढ़ना। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। बच्चे को छोड़ दे, छोड़ बच्चे को। ए सीपी बोलो ना, आगे जा नहीं तो गोली मार दूंगा। चल बोलो ना। सुन, बच्चे को कुछ मत करना। बच्चे को रुक जा। चल ए रुक जा। ए बोलो ना रुक जा वरना गोली मार दूंगा इसे। बच्चे को छोड़, यहां से बाहर नहीं जा सकता। रुक जा नहीं तो बच्चे की जान जाएगी। बच्चे को छोड़ दे। जो जहां है वहीं खड़े रहो वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। गले से रखो वरना इसे मार दूंगा। अरे वो आतंकवाद ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शिवा, उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करो। रुको रुको, मैं भी आऊंगी। अरे स्टंट करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी करूंगी। चलो बोला ना कर नीचे को। ए, वही रुक जा, खाम खा गोली चल जाएगी। गन्नी चल इचर, जो जहाँ है वही चिपके रहना वरना इस लड़के को गोली मार दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना। ए, नीचे रखो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा।
चल हट। चुप। जीआईडी की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारा काम आसान ही कर दिया। सही वक्त पर निकले आप लिफ्ट में से। अरे लिफ्ट के अंदर से नहीं, ऊपर से आए। और वैसे क्यों शर्मिंदा करते साहब, अगर ये काम हम लोग नहीं करते तो आप सीआईडी लोग तो कर ही लेते। वैसे तो आपने तो कमाल ही कर दिया। ये तो ऐसी हैं, दिन में एक बार कमाल के बिना इनसे रहा नहीं जाता। और वैसे भी ये सब देख के इनके हाथ पैर में खुजली शुरू हो जाती है, आदत से मजबूर है ना। अच्छा साहब चलता हूँ। मगर अपना नाम तो बता दीजिए। राठौड़। रावड़ी राठौड़। राउडी राठौड़। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? बैठो बैठो यहाँ यहाँ बैठो। अभी भी डर लग रहा है तुम्हें? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है और जेल भी भेज दिया है। डरने की कोई बात नहीं है। ओके अच्छा नाम बताओ तुम्हारा, क्या नाम है? प्रणव। प्रणव, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। अच्छा तुम यहाँ पर अकेले आए हो या तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह कोई है? सीआईडी अंकल, मेरे मम्मी पापा डेंजर में, प्लीज उनको बचा लो। बचा लो? मामला कुछ गड़बड़ है सर। मम्मी पापा खतरे में? कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं पता। आपके मम्मी पापा यहाँ पर थे? हाँ हम लोग कार से यहाँ ही आए थे। कार से? यस सर। जरा देखो यहाँ आसपास कार है। यस सर। अच्छा आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है वंश और मम्मी का नाम है रोमा। और आप यहाँ से मॉल तक भाग के गए, क्यों गए थे? अंकल मेरे पापा को बैड अंकल मार रहे थे ना, तभी मेरे पापा ने बोला कि यहाँ से भाग जा। बेटा आपके मम्मी पापा यहाँ क्या करने आए थे? मैं और मेरे मम्मी पापा यहाँ से जा रहे थे, तभी कुछ बैड अंकल ने गाड़ी रोकी और मम्मी पापा से झगड़ा करके वहाँ लेके गए। वहाँ? अंकल मैं मम्मी पापा के पास जाना है, जरूर वो उत्तरा बुआ के पास होंगे। उत्तरा बुआ को बुला, उत्तरा बुआ को बुला। हाँ बेटा आपके उत्तरा बुआ को बुलाते हैं हम लोग। ओके कहाँ रहती है आपकी उत्तरा बुआ? जू के वहाँ एक बहुत बड़ा वाइट बंगला है वहाँ। सर यहाँ आसपास कोई कार नहीं है, लगता है क्रिमिनल्स अपने साथ ले गए। पूर्वी तुम प्रणव के साथ यहीं पे रहो। ओके हम लोग अंदर जाके देखते हैं। सचिन विवेक होशियार है ना? सर देखिए एडी सैंडल और खून लगा हुआ है। सर खून अभी तक सूखा नहीं। सूखा नहीं है इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है थोड़ी देर पहले ही हुआ है। काम करो आसपास देखो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सचिन विवेक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ा है,
ये जरूर वंश होगा। माय गॉड, कैसे? ये देखो। ये हटाओ इसे, हटाओ इसे, दूर करो। शायद रोमा है। माय गॉड, उस बेचारे छोटे बच्चे को क्या बताएंगे? बेचारा प्रणव इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया। जिस तरह से इन दोनों को गोलियां मारी गई, ऐसा लगता है कि खूनी ने इनके मरने के बाद भी गोली मारी है। सचिन, फोटोग्राफ्स लो और इन दोनों बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर, इन लाशों की पहचान कैसे होगी? प्रणव की बुआ उत्तरा, वो हमें बताएगी। घर चाहिए मुझे, मैं मम्मी पापा चाहिए। मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? सर, कभी कभी सच बताना कितना मुश्किल हो जाता है। वही तो। बनाओ बनाओ बेटा, हमने है ना तुम्हारी बुआ उत्तरा को फोन किया है। बुआ आने वाली है? हाँ, तुम्हें लेने के लिए आने वाली है बुआ तुम्हारी। अच्छा प्रणव, एक बात बताओ, तुम्हें वो लैपटॉप वाले अंकल याद? बुरे अंकल थे ना, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, है क्या नहीं? तो अगर उन्हें सजा देनी है तो हमें और भी कुछ बताओ उनके बारे में, तब हम जाके उन्हें पकड़ सकेंगे और उन्हें सजा देंगे। लैपटॉप वाले अंकल को पनिश करोगे? बिल्कुल प्रॉमिस। प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। प्रणव! प्रणव, तू घबराना मत, बुआ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा? हाँ उत्तरा जी, हम तो मम्मी पापा से प्रणव को बाद में मिलाने वाले। सर, क्या मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना कि जिस अंकल ने हमारे प्रणव को तकलीफ दी थी ना, उसे हम पकड़ने वाले, उसे सजा देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए उसका हमें स्केच बनवाना है और प्रणव हमारी मदद करने वाला है ना। रेडी, ले जाओ प्रणव को। चलो बेटा। उत्तरा जी, देखिए वंश और रोमा, इन दोनों की लाशें हमें एक बंद फैक्ट्री में से मिली। उन दोनों में से किसी का भी मोबाइल फोन हमें नहीं मिला वहां पर। क्या बता सकते हैं आखिरी बार आपने कब बात की थी उनके साथ? जी आज सुबह ही, जब वो पुणे के लिए निकले थे। उनका उनका कोई प्रॉपर्टी का काम था जिसके लिए वो अपने एडवोकेट मयंक से मिलने गए थे। तो इस बारे में किसी और को पता था कि वो पुणे जाने वाले थे प्रॉपर्टी डील के लिए? सबको ये बात पता थी, स्टूडियो में भी सब जानते थे कि वो सुबह पुणे के लिए निकलने वाले हैं। कैसा स्टूडियो? जी उन दोनों का एक डांस स्टूडियो है। उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं नहीं, उनकी उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। अच्छा, क्या इस एडवोकेट मयंक का टेलीफोन नंबर या सेलफोन नंबर है आपके पास? हाँ मेरे पास उसका नंबर है। एडवोकेट मयंक, मैं इसे भी प्रतिबंध सीआईडी से बोल रहा हूं। एक बात बताइए, क्या वंश और रोमा आपके यहां पुणे आए थे किसी प्रॉपर्टी डील के लिए? कैसी प्रॉपर्टी डील? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं उनके बारे में। क्या प्रॉपर्टी डील के लिए वो दोनों आने वाले थे आपके पास? आए थे क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे कमाल है, फोन कट कर दिया। अजीब बात है। उत्तरा जी, एडवोकेट मयंक तो कह रहे हैं कि
वो कोई प्रॉपर्टी डील के बारे में जानते नहीं, वो तो ये कह रहा था कि वंश और रोमा आने वाले नहीं थे उसके पास। नहीं नहीं, वो जाने वाले थे। तो फिर एडवोकेट मयंक ने ऐसा क्यों कहा? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि वंश मेरा भाई है, और आप लोग मुझ पर ये शक करें कि मैंने उसका खून। प्रणव बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ अभी आती है। मम्मी पापा आने वाले क्या बुआ? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। हरी काका, भीम जी, जरा हॉल में आइए। इन्हें बताइए कि वंश और रोमा आज सुबह कहाँ गए थे? उनकी तरफ नहीं, हमारे तरफ देख के बताओ। वंश साहब और रोमा मैडम पूना गए थे अपने वकील से मिलने के लिए। सर, साहब बता रहे थे उन्होंने वहाँ कोई जमीन खरीदी है। सुना आपने? हाँ सुना, पर विश्वास नहीं हो रहा। सच सच बता रहे हो ना? हाँ, अगर झूठ बोला ना तो याद रखना। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भीम, ड्राइवर। जी साहब, मैं वंश साहब का ड्राइवर हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं तुम वंश साहब के साथ पुणे? पता नहीं साहब, आज पहली बार हुआ है साहब मुझे छोड़कर चले गए। तुम दोनों जा सकते हो। जी साहब। अच्छा साहब, उत्तरा जी, तुम्हें नहीं लगता कि वंश कुछ छुपा रहा था? वो सब तो मैं नहीं जानती, पर अब आप लोग को मुझ पर तो यकीन हो गया ना? नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वकील मयंक, उसने आपसे फोन पे झूठ क्यों बोला? वही तो उत्तरा जी, पता लगाना है कि झूठ कौन बोल रहा है। साउंगे, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भैया बड़े लोग देर से ही आते हैं। अच्छा पता, क्या पता चला? ये हाथ देखो बस। यार बंद मुट्ठी है, उस पर खून लगा है। खून तो है, लेकिन पेच ये है कि ये खून इस वंश का नहीं है, किसी और का। किसी और का है मतलब? बॉस, मरने से पहले वंश की खूनी के साथ जबरदस्त हाथापाई हुई। ओ अच्छा, और इसीलिए ये मुट्ठी बंद है? बिल्कुल, और जब वंश का घूसा पड़ा खूनी पर तो उसका खून निकला कहीं से, और वो खून इस वंश की मुट्ठी पर आ गया। अच्छा सांगे, वो जो लाल सिल्क का कपड़ा मिला था उसका क्या हुआ? तारिका? हाँ सर, उसकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात और बस। हाँ। मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये 6 गोलियां जो वंश की बॉडी में से मिली हैं, और ये वो 5 गोलियां हैं जो हमें रोमा की बॉडी में से मिली, और ये सारी की सारी बुलेट बहुत ही क्लोज रेंज से मारी गई। खूनी ने तो बिल्कुल जिंदा रहने का चांस ही नहीं रखा इनके लिए। बिल्कुल बॉस, ये लोग जब तक मर नहीं गए खूनी इन्हें बराबर शूट करता। इन दोनों की मौत दोपहर के 11 से 12:30 बजे के बीच में हुई है। यार ये Win-115 ग्रेड की गोलियां हैं। Exactly, सिल्वर टिप, JHP। गोलियां एक ही गन से चलाई है या? बस ये बताना बहुत ही मुश्किल काम है कि वहां पर एक ही गन थी
या दो। सब मतलब खूनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लैपटॉप वाले के साथ कोई और भी था। ठीक हो? लगता है किसी ने जानबूझ के किया ही है। सर जरूर इसमें मानिक का ही हाथ होगा, वो चाहता ही नहीं हमारा शो चले। ये मानिक कौन है? सर वो सामने वाले स्टूडियो का मालिक। हाँ, और आप कौन है? सर ये जय और कोयना हमारे शो के जजेस हैं। इस मानिक से तो हम बाद में मिलेंगे, पहले इस जिमी से तो निपट ले। कहाँ है जिमी? सर अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर वो रात को रिहर्सल पे जरूर आएगा। ठीक है, तो रात को ही मुलाकात करते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी ने उसे ये बताया कि सीआईडी यहाँ पे आई थी तो। एक्सक्यूज मी, हम एडवोकेट मयंक से मिलना चाहते हैं, हम सीआईडी से हैं। वो मयंक, मेरा मतलब है मयंक सर ऑफिस में नहीं है, शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। शहर से बाहर गए? और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। कहाँ गए, कहाँ है एडवोकेट मयंक? पता नहीं सर, बताकर नहीं गए। अरे बड़ी अजीब बात है, आप उनकी सेक्रेटरी है और सर ने आपको बताया नहीं, है ना बड़ी अजीब बात। खैर चलो कोई बात नहीं, मयंक रोमा और वंश के केसेस देखता है, तो उन केसेस के बारे में जो भी कागजात है हम देखना चाहते हैं। सॉरी सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? एडवोकेट मयंक कहाँ गए ये भी आपको नहीं पता, वो किस काम से गए ये भी आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता क्या है? यहाँ पर जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, उन सब की चाबियां चाहिए हमें, हम खुद देख लेंगे हमें क्या चाहिए वो। सर वो चाबी, वो चाहिए हमें, मैं आपको देती हूँ। हाँ पूर्वी इनके साथ जाओ। सर विवेक बाकी की फाइल चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर वो लड़की तो फ्रॉड निकली, उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भाग गई। तो ये तुम्हें उसके साथ हाथापाई में लगा? हाँ। विवेक इसका मतलब है वो लड़की हमारी जैसी कुछ ढूंढने आई थी, कुछ तो ढूंढने आई थी। एक काम करो, तुम्हारे पास मास्टर की है ना? यस सर। वो ड्रॉअर खोलो। केस ऑफ फ्रॉड? जब सर वंश और रोमा कूना में किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं आए थे, मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस फाइल करने आए थे। एग्जैक्टली। सर ये देखिए सर, इसके हिसाब से वंश और रोमा अपनी इनकम का 5% हिस्सा पंचगनी के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को डोनेट कर रहे हैं। अपने कमाई का 5% हिस्सा डोनेशन में, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ रोमा और वंश दान धर्म भी करते हैं और दूसरी तरफ मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी डालते हैं। इस केस में तो अलग अलग रंग भरने लगे। सर ये वही रास्ता है जहाँ पे वो बच्चा साइकिल वाले से टकराया था। सुनो भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हो? जी सर। हर रोज यहीं पे बैठते हो क्या? नहीं साहब, जिस दिन हमारे पास काम नहीं होता है तो हम यहाँ बैठे गप्पे मारते हैं। अच्छा, कल परसों यहाँ पे एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ। हाँ साहब, उस आदमी ने साइकिल वाले को देखा ही नहीं। और साहब साइकिल वाला जमीन पे गिर गया था, उसका सारा सामान भी बिखर गया था। दिखने में कैसा था? साहब कोट पैंट पहना हुआ था और हाँ साहब उसने कंधे में लैपटॉप लटकाया था। अच्छा, इस लैपटॉप वाले को यहाँ पे पहले भी देखा था? हाँ साहब,
एक दो बार इधर घूमते हुए देखा था। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट में एक दुकान है साहब, वहाँ पर भी उसको जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, थैंक्स, आगे दुकान में चल के देखते हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। एसीपी सर, आप यहाँ? आपके घर का दरवाजा खुला था, आ गए? देखिए सर, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, अब आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। ओहो उत्तरा जी, आपको ये किसने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं? जो पूछना था पूछ लिया। ये प्रणव कहीं दिख नहीं रहा है? अब प्रणव अपनी दादा दादी के यहाँ गया। अच्छा, प्रणव दादा दादी के पास गया, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना वो अपनी आंखों के सामने अपनी बुआ को अरेस्ट होते हुए देखता तो बेचारा दुखी हो जाता है ना। क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे? लेकिन किस जुर्म में? आपके पास वारंट है? वारंट भी है और सबूत भी। कैसा सबूत? सबूत देखना चाहेंगी? अभी बताते हैं। विवेक, मानिक, इन्हें सब पता चल गया, वंश और रोमा के स्टूडियो को लेकर हमने जो फ्रॉड किया है वो। रोमा और वंश पूना किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं गए, तुम्हारे और मानिक के ऊपर धोखाधड़ी का केस फाइल करने गए थे, क्योंकि तुम दोनों मूनस्टार स्टूडियो हड़पना चाहते थे। ये रहा सबूत। क्यों, क्या हुआ उत्तरा जी? हैं? बोलती बंद हो गई? कोई शब्द नहीं मिल रहे अभी बोलने के लिए? क्यों? हाँ सर, मैंने फ्रॉड किया, मैंने ही रोमा और वंश को धोखा दिया, मगर मैंने उनका खून नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया। मैं इतनी भी बुरी नहीं कि अपने भैया और भाभी का खून कर दूं। मैं कसम खाती हूँ सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। कसम तो अब अदालत में खाइएगा उत्तरा जी, और ऊपर वाले से दुआ भी मांगिए। ये आपका फरार एडवोकेट मयांक, उसकी फरार सेक्रेटरी और वो लैपटॉप वाला पकड़े जाने पर तुम्हारा नाम डले। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? कुछ सामान चाहिए क्या? आप यहाँ काम करते क्या? जी मैं यहाँ का मैनेजर। अच्छा, जरा स्केच देखिए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? इसने सूट पहना हुआ था और एक लैपटॉप का बैग था इसके पास, 3 दिन पहले शायद दुकान में आया था यहाँ पे। हाँ हाँ सर, मैं अपना पर्सनल काम पटा के शोरूम में आ रहा था, तभी ये आदमी फोन पे बात करते हुए शोरूम के बाहर आया और गलती से हम दोनों टकरा गए सर। अच्छा, वैसे ये लैपटॉप वाला आदमी जब फोन पे बात कर रहा था तो आपको याद है कि क्या समय हो रहा होगा? 3:42 सर। 3:42, थैंक यू। 3:42। सचिन एक काम करो, यहाँ के लोकल नेटवर्क टावर से पता करो कि 3:42 में कितने फोन कॉल्स किए गए, उसके सारे कॉल डिटेल्स लेके आओ, पता चल जाएगा ये लैपटॉप वाला है कौन। सर आधा घंटा हो गया और ये डॉक्टर, जबकि इसे पता है कि हम लोग सीआईडी से। क्या कहेगा? ऑफिस टाइम में तुम ऑफिस के बाहर क्या कर रहे थे? मैंने तो नहीं भेजा था तुम्हें। नहीं वो सर, वो क्या, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमेशा के लिए तुम्हें ऑफिस के बाहर ही रहना पड़ेगा। जी जी, माफ कीजिएगा सर, हमारे वजह से आपको देरी होगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लगता है आप पर काम का बड़ा बोझ है। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। शेव करते वक्त? शेविंग किट के हिसाब से तो डॉक्टर साहब ये चोट कुछ ज्यादा ही बड़ी है ना? आप मेरी चोट के बारे में जानना चाहते हैं या और भी कुछ पूछना चाहते हैं? अरे आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ये देखिए, मैं कुछ फंड ट्रांसफर के बारे में पता करने आया था। मिस्टर वंश एंड रोमा, ये अपने एनुअल इनकम का 5% हमारे इंस्टीट्यूशन को देते थे और डोनेशन केस नंबर 636 के नाम पर जाता था। पेशेंट का नाम इरा था और ये 2001 से डोनेशन जा रही थी। एक बात बता सकते हैं डॉक्टर साहब, ये वंश इरा के लिए इतने पैसे क्यों भेजता था, कुछ पता है आपको? अरे मुझे क्या मालूम क्यों भेजा था, और वैसे भी इरा की डेथ हो चुकी है और फंड आने भी बंद हो चुके हैं। अरे सुनो, इन्हें केस नंबर 636 की फाइल दे दो, और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे हम फिर मिलेंगे। सर
ये उन 150 लोगों के फोन रिकॉर्ड्स मिले जिन्हें उस दिन कांदिवली टावर ने 3:42 पर ट्रेस किया था। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है सर। ये फोटो एड्रेसेस आइडेंटिटी प्रूफ सब है सर। वेरी गुड, ये सारे के सारे फोटो एक एक करके प्रणव को दिखाओ, पता चलेगा वो लैपटॉप वाला इसमें है या नहीं। यस सर। हाँ सचिन। सर ये वंश इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के एक पेशेंट को लगातार पैसे भेजता रहा है जो कि पंचगनी में रहती है, और ये सिलसिला 2001 से चल रहा है। 2001? सर पंचगनी जाकर हम इस रोमा और वंश के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। हाँ वो तो पता करना ही पड़ेगा, लेकिन सचिन इस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में जो डॉक्टर मृणाल है ना, मृणाल कुछ तो खटकता है मुझे उसके बारे में। खटकता है मतलब सर? एक तो उसके मुंह पर लगी हुई चोट। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। ये तो जिंदगी में पहली बार देखा मैंने सचिन की, जब शेविंग करते वक्त कोई चोट लग जाती है तो आदमी को बोलते वक्त तकलीफ होती है। सचिन बहुत गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मतलब वो जो 11 गोलियां रोमा और वंश पर चलाई गई है वो 2 पिस्तल से चली है? हाँ, उस वक्त उस फैक्ट्री में इस लैपटॉप वाले के साथ ये मृणाल भी था। मृणाल था उधर। सर ये रहा वो लैपटॉप वाला। वेदांत नाम है मिस्टर लैपटॉप वाले का, और ये काम करता है कहां पर? रेड ट्री मीडिया जुहू स्कीम। हेलो। हाँ आई श्योर? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। सर ये डांसर जिमी इस वक्त स्टूडियो में है। अच्छा स्टूडियो में। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5। क्या कर रहे हो जिमी? गाने की बीट देखो और अपने पैर देखो। Pay attention, जिमी। सॉरी मैम दोबारा करते हैं। हेलो मिस्टर जिमी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? वो भी रात के 2 बजे? दिन के 2 बजे तो तुम मिलते नहीं हो, इसीलिए रात को 2 बजे आ गए। तो मिस्टर जिमी सीधे पॉइंट पे आ जाएं। जी जी। ये बताओ कि 28 मई 2012 दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में तुम कहाँ पर थे? सर 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 मैं वो विदिशा से मिलने गया था लेकिन वो आई नहीं। कौन विदिशा? मेरी डांस पार्टनर, लेकिन वो पिछले 2 दिन से रिहर्सल में नहीं आ रही है सर। अच्छा उसकी फोटो है तुम्हारे पास? जी सर। ओह सर ये विदिशा एडवोकेट मयंक की सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। ओह तो तुम दोनों ने मिलके मारा है वंश और रोमा को? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे शर्ट का टुकड़ा लाश के पास कहां से आया? लाश? हां लाश। सर सर वो विदिशा ने डाला होगा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I'm really sorry. तुम्हारी शर्ट फट गई है, बाद में मुझे दे देना मैं ठीक करवा दूंगी। I'm really sorry यार। हाँ सर विदिशा मेरी शर्ट सिलवाने के बहाने ले गई थी और उसी ने मुझे फंसाया सर, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है ये लड़की तो बैरोपिया है। इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कोई ईरा नाम की औरत रहती थी ना? ईरा? सर ज्यादा तो पता नहीं इस घर के बारे में, तकरीबन 10 बरस पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। ईरा किसका नाम था ये भी नहीं पता, पर हाँ इस घर में कोई दिमागी तौर से बीमार हुआ था जिसे बाद में असाइलम ले जाया गया था। तो बाकी के लोग जो थे वो कहाँ गए? सर उसके बाद जो लोग बचे थे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई, फिर वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता? ओके सर ये कुछ अजीब सी फ्रेम मिली। ओह आई एम सॉरी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ चल। यह है मून स्टार स्टूडियो। पर सर ईरा के खून का
मूनस्टार स्टूडियो से क्या लेना देना? पूर्वी, रोमा और वंश मूनस्टार स्टूडियो के मालिक थे और वो ईरा के लिए पैसे भेजते थे उस इंस्टीट्यूट में, तो हुआ ना कनेक्शन ईरा का मूनस्टार स्टूडियो के साथ। हेलो सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिसर है, आपने मुझे इस घर की इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। ये लीजिए सर। सर, ये घर ईरा ने रोमा के नाम कर रखा है। रोमा के नाम पर क्यों किया घर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरा के घर वालों में से ही किसी ने रोमा और वंश का खून कर दिया अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए? मगर कौन कौन हो सकता है? भाई साहब, ये मिस्टर वेदांत कहाँ है? हाँ जी बोलिए, मैं हूँ वेदांत। तो आप है वेदांत? वेदांत जी, आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा, कुछ पूछताछ करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मिस्टर वेदांत, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना गर्दन पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे यहाँ से। पर मैंने किया क्या है? आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। तुमने वंश और रोमा का खून किया है और प्रणव को मारने की कोशिश। ए! मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मत आना। मैं मार दूंगा। मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मैं सही में बता रहा हूं, मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मैं सही में मार दूंगा, मेरे पास बंदूक है। रोका किसने? चला गोली, गोली खत्म हो गई। तुमने गिना नहीं था क्या? नहीं, मैंने गिना था। सच सच बता, किसने किसने कहा था तुम्हें रोमा और वंश का खून करने के लिए? किसने कहा था? मेरी दीदी ने। कौन दीदी? विदिशा दीदी, वो रियलिटी शो में डांसर है, मैंने उन्हीं के कहने पे सब कुछ किया। दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? दीदी ने कहा और तुमने किसी का खून कर दिया? मैंने अपनी दीदी को दिखा दिया कि मैं कायर नहीं, मैं बहादुर हूँ। अच्छा तो बताओ, जब तुम वंश और रोमा का खून करने गए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? कौन था तुम्हारे साथ? याद नहीं आ रहा है? उर्वी? हाँ, यही था वो। वंश ने इसी के चेहरे पर घुसा मारा था ना? हाँ, बहुत जोर से मारा था और यहां से खून भी निकला था। सर, आपका शक सही निकला। चलकर इस डॉक्टर ब्रुनाल से पूछते हैं कि शेव करते वक्त जबड़ा कैसे टूटता है। हो गया तुम्हारा, मैंने मना किया था ना, जब तक सीआईडी अपना केस बंद नहीं कर दे तब तक हमें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है। विदिशा दीदी कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है, अब तू जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? क्या बात है डॉक्टर साहब, हम लोग जब भी आते हैं बड़े जल्दी में होते हैं। तू सीआईडी को लेकर आया हमारे पास? नहीं, ये मुझे लेकर आए। कोई भी लेके आया होगा, मगर तुमसे मुलाकात तो होनी थी। देखो डॉक्टर, जबड़ा तो तुम्हारा पहले से टूटा हुआ है, अगर शरीर के बाकी हिस्से सही सलामत चाहते हो तो फटाफट सच बोलना शुरू कर दो। चलो। देखिए साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। चलो, अगर इसे कुछ नहीं पता तो ये हमारे किस काम का? क्या करें, गोली मार दे? सर, गोली सर पे मारूं या छाती पे? कहीं भी मारो, ढेर तो होगा ही। मैंने कुछ कह नहीं था, मुझे क्यों गलती हो? अरे मैंने
अरे कुछ नहीं किया साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती ही नहीं साहब, मैं मुझे माफ कर दो साहब। कोठवाड़ी 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 है साहब, पुणे में कोठवाड़ी एक जगह है साहब। कोठावाड़ी साहब पुणे में है, दिशा वहाँ पर एक होटल में छुपी हुई है साहब। मैं वेदांत और दिशा तीनों ने मिलकर वंश और रोमा का खून किया है साहब। मुझे गोली मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। विदिशा की क्या दुश्मनी थी वंश और रोमा से? मुझे नहीं पता साहब, वो तो एक मोहरा है बिल्कुल मेरी तरह। उसका असली मास्टरमाइंड कोई और है साहब। कौन है असली मास्टरमाइंड? पता नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब इस बारे में। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर विदिशा को मालूम होगा। कौन है मुझसे मिलने? कोई मिस्टर वेदांत है। वेदांत कहाँ है वो? वो बाहर लॉबी में। ये खत्म मरवाएगा, एक दिन मना किया था फिर भी। वेदांत मना किया था ना, फिर भी। मुझे लगा कि वेदांत है। कौन हो तुम लोग? हमें वेदांत नहीं भेजा है कि आपसे मुलाकात करे। उसने कहा हमसे कि विदिशा से जरूर मिलना, बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है, कभी डांसर बन जाती है, कभी मैं की सेक्रेटरी बन जाती है, और कभी कभी खूनी। कौन हो आप लोग? हम लोग CID से। हिलना नहीं वरना चलने लायक नहीं रहेंगे आप। पकड़ना है तो असली गुनेगार को पकड़ो जिसने सब करवाया है। कौन कौन है असली गुनेगार? धोखा दिया वंश ने, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, वो पागल हो गई और वहीं मर गई। लेकिन मैंने बदला ले लिया। मृणाल और विदिशा को तुमने अपने जाल में फंसा लिया? हाँ। और वो एडवोकेट मयंक, वो कहाँ है? वो मेरे कब्जे में है, उसे तो हम छुड़वा लेंगे। कोई ना, तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी गलत है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उर्वी सर, ले जाओ इन्हें। चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।